वेलकम टू अड्डा 247 अभी बहुत ही शानदार सा सेशन था BBM का कोच सर वाज एब्सोल्युटली रॉकिंग इन सेशन ऑफ BBM एंड नाउ माय डियर फ्रेंड्स इट्स टाइम फॉर हैविंग अ लुक एट द आर्टिकल्स ठीक है भाई तो भाई हम लोग हमने कल भी ये किया था टेरिटोरियल आर्टिकल शो हम लगातार करते हैं आई भी है दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर योर SBI PO बिकॉज़ यू नीड टू नो हाउ टू कॉम्प्रीहेंड द कॉम्प्रीहेंशन हाउ टू कॉम्प्रीहेंड आर्टिकल फॉर योर पैरा जम्बल एंड यू नो वेरियस अदर तो बेसिकली अगर आप पैसे समझ नहीं पाते हैं कॉम्प्रीहेंशन के लिए या क्लोजनेस के लिए या पैरा जम्बल के लिए तो आपको बेहद दिक्कत हो सकती है एग्जामिनेशन में और इसीलिए आपकी अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी को बूस्ट करने के लिए हम यहां पर लाते हैं हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन और राइट मेरी फ्रेंड सो इन ऑर्डर टू बूस्ट योर कैपेसिटी योर केपेबिलिटी फॉर कॉम्प्रीहेंडिंग द पैसेज

माई डियर फ्रेंड्स आप लोगों की यहां पर परमिशन मिल गई हो मुझे तो मैं स्टार्ट करूं आज का ये एडिटोरियल आर्टिकल बताइए सो शुड शुड आई आई स्टार्ट स्टार्ट डियर फ्रेंड्स बताइएरियल आर्टिकल अगर आप देखिए यू यू टू स्टार्ट कैन राइट ठीक है भाई अगर आप चाहते हैं कि हम शुरू करें तो आप यहाँ पर येस भी लिख सकते हैं जब आप येस लिखेंगे तब हम स्टार्ट करेंगे कब डियर फ्रेंड्स आप यस नाउ आई कैन सी लॉर्ड ऑफ येस बिल्कुल बाढ़ आ रही है येस की तो चलिए भाई अब हम लोग यहां पर देखते हैं देखो भाई आज हम लोग क्या करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल विल हैव अ रिव्यू

Let's have a look at the first slide. ये हैं। हम पहली जो 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 है। है है। अब देखिए, हमारा मैंने आपसे पहले कहा था कि एक बार करेंगे। तो पर, लिखा हुआ पेज नंबर टेन पे ये है द हिंदू के द लॉन्ग एंड वाइंडिंग रोड टू जस्टिस देखो दिस पर्टिकुलर आर्टिकल इज एक्चुअली रिगार्डिंग दशिकला और इसे तो शशिकला जजमेंट ठीक है भाई हाल ही में शशिकला जी के ऊपर जो है जजमेंट आया है जिसमें कि उनको चार साल की सजा है और दस साल तक वो इलेक्शन नहीं लड़ पाएंगी एंड ये बेसिकली जो एसेट्स थे जो गलत जो कैसे सकते कि आपकी इनकम से ज़्यादा जो उनके एसेट्स हो गए थे तो उस केस में उनको यहाँ पर उनके खिलाफ जजमेंट आया गया है यू नो सुप्रीम कोर्ट हैड गिवन अ वर्ल्ड अगेंस्ट शशिकला शशिकला जी सो यू नो

अर्ली सेटबैक फॉर मिस्टर ट्रंप ठीक है भाई ये पेज नंबर टेन में नीचे की ओर दिया हुआ है अर्ली सेट बैक फॉर मिस्टर ट्रंप ठीक है भाई तो वन सगेन परिस्टर ट्रंप के और उनकी फॉरेन पॉलिसी इनफैक्ट जो वो उनकी जो जो भी यहां पर जो उनकी नीतियां आ रही हैं वट एवर हिज पॉलिसीज वेदर डोमेस्टिक वेदर इंटरनेशनल तो हर चीज का थोड़ा थोड़ा यहां पर आइडिया दिया गया है और साथ ही में जो उनको सेटबैक्स मिल रहे हैं जो भी बैकफायर उनकी पॉलिसीज कर रही हैं दिस इज एक्चुअली अ मैंशन ऑफ इज एक्चुअली आर्टिकल ऑन दैट वन जो अगलाइड है उसमें क्या दिया हुआ है नेक्स्ट स्लाइड फॉर यू माइ डियर फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं आपको दिख रहा होगा अब देखिए इसमें जो है इसमें दो इंपॉर्टेंट तो नहीं लेकिन हाँ एक इंपॉर्टेंट हेडिंग जरूर है यह है शापनिंग द फाइट अगेंस्ट टोबैको शार्पनिंग द फाइट अगेंस्ट टोबैको इसमें जो है टोबैको की अगेंस्ट जो जो चीजें हैं जो रेगुलेशन है जो रूल्स हैं है, वो लोग जो कि रेगुलेशन के खिलाफ हैं उन सभी का एक प्रॉपर एनालिसिस है और इसको हम लोग आज देखेंगे वील हैव एन एनालिसिस ऑफ शार्पनिंग द फाइट अगेंस्ट टोबैको

article, article, we would have picked this 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 one as well. However, is is more of of an an election kind so of so that's why this is really not important so important for us. To so, miss उट कर सकते हैं okay, so तो दो आर्टिकल उठाए हैं एक तो आपके सामने आ चुका है शार्पनिंग दाइट दा अगेंस्ट तो फिर दूसरा वाला आर्टिकल कौन सा है ये भी आपको जानना चाहिए भाई. Next slide पे चलते और उम्मीद करता हूँ आपको नेक्स्ट स्लाइड यहां दिख रही है द इकोलॉजिकल बैलेंस शीट ओके माइडियर फ्रेंड सुपर है जो आर्टिकल है यह एक एनवायरमेंटल बेस्ड आर्टिकल है ओके एंड दिस इज एक्चुअली एन इकोलॉजिकल बेस्ड आर्टिकल कैन से दैट

चाहता हूं सी इनिशियली इन द पास वी रिसीव्ड अ लॉट ऑफ मेल जिसमें कि ऐसा लिखा हुआ था that article that you know the aspirants the aspirants they didn't want to and they what you say they didn't want to get fed the entire article unhone ye kaha ki sir jaate log bahut saare log ne se ye kaha ki sir aap jo hai hame article ka thoda sa idea de dijiye aur fir baki hum log khud samajh ke aapko likh ke batayenge ki humne kaisa kiya hai article ya humko kaise samajh mein aaya hai okay my dear friends so what we'll do i'll actually explain you the main part of the article jiska hum log in depth analysis karenge okay so any article uh, Which I'll choose for the in depth analysis of it. We'll actually have what you say, we'll actually have the analysis of the main part of that article and then.

ल एंड आई होप द स्लाइड चेंज और जो नेक्स्ट स्लाइड है वो अब आपको दिख रही है ओके माइडियर फ्रेंड्स सो हेयर द स्लाइड फॉर यू शार्पनिंग द फाइट अगेंस्ट टोबैको ठीक है भाई तो जो पहला यहां पर स्लाइड है दैट इज रिगार्डिंग शार्पनिंग द फाइट अगेंस्ट टोबैको मैंने आपसे बताया ही था टोल्ड यू एज एज वेल यू नो दिस पर्टिकुलर आर्टिकल हैज बीन रिटन फ्रॉम रेगुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू ओके एंड ऑल्सो वो इस रिगार्डिंग दोज कंपनीज विच आर ओपोजिंग वेरियस रेगुलेशन एंड ऑल्सो दो विच आर अप्लाइंग सच रेगुलेशन बोथ हैव गॉट देयर ओन रीजन तो उसके रिगार्डिंग हम लोग यहां पर ध्यान से बात करेंगे नाउ In 2016 the commerce ministry sent a note to the cabinet proposing a blanket ban on on FDI in the tobacco sector. So my dear friends last year in 2016 you know commerce industry sent a note to cabinet proposing a complete ban a blanket ban means a complete ban on FDI in the tobacco sector. तो पिछले साल जो है कॉमर्स की जो मिनिस्ट्री है कॉमर्स मिनिस्ट्री ने एक नोट भेजा था कैबिनेट मतलब ऐसा नहीं कि गांधी जी वाला नोट ठीक है लिखा हुआ नोट मिली इन द फॉर्म ऑफ लेटर ऑफ समथिंग लाइक दैट ठीक है भाई सो अल्टीमेटली तो जो जो, जो कॉमर्स मिनिस्ट्री है उसने एक नोट दिया था कैबिनेट को लास्ट ईयर रिगार्डिंग इनफैक्ट उस नोट में ऐसा लिखा गया था कॉमर्स मिनिस्टर ने और कॉमर्स मिनिस्ट्री ने ऐसा प्रपोज किया था कि हम जो है एफ पे पूर्णतः बैन लगा दें टोबैको तो सेक्टर में okay then what happened although india banned fdi in tobacco manufacturing in 2010 foreign tobacco companies are allowed to invest in other ways okay so perhaps you know uh, this particular note came in 2016 for a complete ban on tobacco sector what do you say complete ban on fdi in tobacco sector but in 2010 in fact since 2010 एफडीआई इन टोबैको मैन्युफैक्चरिंग इज टोटली बैड एनी ठीक है भाई तो 2010 से जो है एफडीआई इन टोबैको मैन्युफैक्चरिंग बैंड है हावेवर foreign investors foreign companies are allowed to invest in various in various other ways like you know like giving the technology and stuff like that and trademark associations theek hai bhai to basically 2010 se jo manufacturing hai usme to fdi ban ho rakhi hai lekin tab bhi technology अलग अलग तरीके की technology इस्तेमाल करने के लिए और trademark टे के जरिए जो है कुछ ना कुछ investment हो ही जाता है foreign investment से ठीक है भाई सो तो so, कुछ ना कुछ FDI हो जाता है आपके tobacco sector में लेकिन जो लास्ट ईयर नोट आया है उसने यह कहा है कि ये हर तरह का इन्वेस्टमेंट एफडीआई बैन हो जाना चाहिए टोबैको सेक्टर कॉमर्स मिनिस्ट्रीज प्रपोजल विच वुड पुट एंड एंड टू ऑल ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ फॉरन कंपनी अब मजे की बात यह है जो नीति आयोग है नीति आयोग ने लास्ट ईयर की इस प्रपोजल को अपोज किया है क्योंकि इस पर्टिकुलर प्रपोजल से होगा क्या लाइक इट आई टोल्ड यू इट इज टोटल बैन सो पर होगा क्या हर तरह का फॉरेन कंपनी का जो पार्टिसिपेशन है टोबैको सेक्टर में वो बिल्कुल बंद हो जाएगा यू नो सो इन थाउजेंड सिक्स लास्ट ईयर Commerce ministry sent a note to cabinet demanding and demanding a blanket ban on in the tobacco sector what do you say regarding yes. fdi but then again what happened niti ayog opposed this particular proposal because you know what will happen if this ban happens then all sort of foreign investment would be banned in the tobacco sector हैपन एनीवे, ओके द गवर्नमेंट फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन टोबैको कंट्रोल एफसीटीसी सी एज द रीजन फॉर दिस स्टेप हाउ जो बेसिकली जो सरकार है सरकार ने ये बोला है कि डब्ल्यू का जो एफ सी टी सी है विच इज फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन टोबैको कंट्रोल तो सरकार के हिसाब से डब्ल्यू एच ओ के एफ सी टी सी के हिसाब से इस बैन को लगाया गया है द गवर्नमेंट गिवस द रीजन ऑफ डब्ल्यू एच ओ एफ सी टी सी विच इज फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन टोबैको कंट्रोल एज वी से एज द रीजन फॉर अप्लाइंग दिस पर्टिकुलर बैन नाउ माय डियर फ्रेंड्स आई होप दैट यू आर एबल टू ग्रैब द कंसेप्ट उम्मीद करता हूं कि जो भी बताया बैठ गया आपके दिमाग में आप लोग लिख भी सकते हो कमेंट सेक्शन में बैठ गया और साथ में अब बारी है क्वेश्चन को बैठाने की सो माय डियर फ्रेंड्स आर यू रेडी फॉर द क्वेश्चन आई सपोज यू आर एंड हियर कम्स द क्वेश्चन नेक्स्ट स्लाइड प्लीज सो सवाल में लिखा हुआ है इन 2016 कॉमर्स मिनिस्ट्री सेंड अ नोट टू द कैबिनेट प्रपोजिंग ठीक है भाई सो दो हजार सोलह में कमर्स मिनिस्ट्री ने जो है नोट भेजा था कैबिनेट में और यह कहते हुए भेजा था क्या कहते हुए भेजा था हैव अ लुक एट द स्टेटमेंट एंड टेल मी व्हाट इज दंसर क्विकली माई डियर फ्रेंड्स व्हाट्स दी आंसर थर्टी सेकेंड्स आंसर क्विकली हरियाप हरियाप थर्टी सेकेंड्स Come on, what's the answer? Quickly, quickly, what's the answer? चलिए मैं आपको दस सेकंड और दे रहा हूँ ठीक है भाई यू हैव टू आंसर क्विकली टेल मी व्हाट्स द आंसर ओके okay, बहुत सारे लोग यहाँ पर जवाब दे रहे हैं लगातार आई कैन सी रियली नाइस यू नो और ज्यादातर लोग जो है वो की तरफ जा रहे हैं। Most of you are going towards five. Well, देखो भाई, जो यहाँ पर यहाँ पर अलग अलग स्टेटमेंट्स है सवाल ये था इन 2016, थाउजेंड सिक्सटीन द कमर्स मिनिस्ट्री सेंट अ नोट टू कैबिनेट कम प्रपोजिंग ओके क्या प्रपोज किया अ ब्लैंकेट ऑन एफडीआई इन टोबैको सेक्टर मींस

अ ब्लैंकेट बैन ऑन फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट एफ आई आई इन क्या वॉज दिस दी दी आंसर आंसर मी इज दिस लग रहा है हाँ अब देखो कई सारे लोग जो है थोड़ा सा ऑप्शन फोर 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 लिख रहे हैं वेल माई डियर फ्रेंड्स एफ आई आई लिखा है फोर में एफ डी आई नहीं लिखा है येस द ट्रेस्ट इन दिन ऑप्शन फाइव में होगा

Well, my dear friends, option five is the correct answer. Yes. So all those of you who chose option five, you have done a good job because that is the correct answer and it opens your account to one as well. ठीक है भाई तो पहला marks आप लोगों के यहाँ पे मिल जाता है. So one on one for all those of you who chose option five. अब देखो my dear friends, if you are finding this session interesting, अगर आपको मजा आ रहा है तो आपको पता है कि आपको अंगूठा कहाँ दिखाना है और साथ ही में जो URL है, उसको कैसे शेयर करना है यह मुझे पता है कि आपको पता है तो कृपया उसको शेयर करें ठीक है भाई नाउ लेट्स हैव लुक एट द नेक्स्ट स्लाइड ये देखते हैं जो अगली स्लाइड है उसमें क्या लिखा हुआ है एज पर दिस कन्वर्सेशन यानी कि देखो भाई जो एफ सी टी सी है डब्ल्यू एच ओ और इंडिया के बीच में जो बातचीत चल रही है एफ सी टी सी के अंतर्गत सो एज पर दिस कन्वर्सेशन इंडिया इज अंडर अ कंपलजन टू रिड्यूस हाई कंजम्पशन ऑफ टोबैको प्रोडक्ट्स विच पोजेस अ सीरियस डेंजर टू पब्लिक हेल्थ यानी कि भाई जो एफ सी टी सी है WT, uh, और इंडिया के बीच में उस एफ सी टी सी को ध्यान में रखते हुए इंडिया को जो है जो टोबैको कंजम्पशन है जो भी टोबैको प्रोडक्ट्स है उनका जो है उनका जो तो है वो बिल्कुल कर कर देना देना है है बिल्कुल एकदम कर देना है, ताकि जो हेल्थ हो उसको कम से कम से नुकसान पहुंचे परहैप्स अंडर दी वे बिटवीन यू डब्ल्यू एच ओ एंड इंडिया मिनिमाइज ऑल सच टोबैको प्रोडक्ट्स सो दैट यू नो दैट्स द बेस्ट थिंग The public health because all such tobacco products they actually harm and they actually pose a grave danger because they cause cancer to various people in the common public now. पोजल हैज नॉट गोन डाउन गोन डाउन वेल विदेरिकन टोबैको जॉन्ट फिलिप मॉरिस इंटरनेशनल विच हैज इन्वेस्टेड इन इंडियन टोबैको मार्केट थ्रू असिंग अग्रीमेंट विद गॉड्रे फिलिप्स इन इंडिया आपको याद होगा मैंने आपसे बताया था कि दो हजार दस में जो है मैन्युफेक्चरिंग सेक्टर में जो एफ डी आई है वो बैन लग चुका है लेकिन तब भी जो फॉरन इन्वेस्टर्स है वो अलग अलग तरीके से लाइसेंसिंग के जरिए जो है इन्वेस्ट करते हैं इंडियन टोबैको कंपनी में इनफैक्ट इंडियन टोबैको सेक्टर में अब देखो भाई तो उसी प्रकार से ये जो कंप्लीट बैन वाला जो प्रपोजल है जो कि कॉमर्स इंडस्ट्री ने दिया था और ये जो ब्लैंकेट बैन वाला प्रपोजल है ये प्रपोजल जो है इसके लिए इसके खिलाफ इनफैक्ट इसको देख करके बहुत ही गंदा रिएक्शन दिया है अमेरिकन टोबैको जाइंट फिलिप मॉरिस ने जो कि अमरीका का एक बहुत ही हाई क्लास टोबैको कंपनी है और इसका नाम है फिलिप मॉरिस इंटरनेशनल एक्चुअली और बेसिकली अब ऐसा क्यों है ऐसा गंदा और खराब रिएक्शन क्यों दिया फिलिप मॉरिस इंटरनेशनल ने क्यों फिलिप मॉरिस इंटरनेशनल ने इंडियन टोबैको मार्केट में जो है बहुत सारे पैसे लगाए हुए हैं बहुत सारे इन्वेस्टमेंट किया हुआ है गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया के जरिए एक लाइसेंसिंग अग्रीमेंट के थ्रू so my dear friends, i had told you initially that, you know, since 2010, manufacturing, what do you say, uh fdi in tobacco manufacturing is totally, what do you say, banned. but then again, i had told you that, you know, foreign investors find other ways to invest in indian tobacco sector. okay, and that's why the proposal of commerce industry to the cabinet for applying a blanket ban on what you say? On all forms of FDI in the tobacco sector has not gone well with the American tobacco giant by the name of Philip Morris International. You know now why has that happened? Because Philip Morris International, or PMI, which is the short bar, by the way, which, uh, which has investment. You know this particular Philip Morris International has invested in Indian tobacco market through licensing agreement with Godfrey Phillips India. Okay. Let's have a look at the next part. Additionally, the Swiss affiliate of PMI has also entered into a joint venture with some Indian companies to form a wholesale trading group involved in selling tobacco products. और साथी में भाई देखो यहाँ पर affiliate दिया हुआ है. Affiliate का एक मतलब तो होता है partner. ठीक है भाई. Noun के form में इसका मतलब होता है partner. ठीक है भाई. तो बेसिकली देखा जाए साथ ही में देखो एक तो जो आपका फिलिप मॉरिस इंटरनेशनल है ये बहुत चिढ़ गया है इस पर्टिकुलर प्रपोजल को देखकर और साथ ही में फिलिप फिलिप मॉरिस इंटरनेशनल पी एम आई का जो है एक स्विस पार्टनर भी है जो कि अलग बड़ी से जो कि जॉइंट वेंचर में एंटर किया है यानी कि जो कि बेसिकली जॉइंट वेंचर का हिस्सा है कुछ भारतीय कंपनियों के साथ और जिससे होता क्या है इस ये जो जॉइंट वेंचर है ना इसका एम ये होता है कि जिससे कि जो है होलसेल ट्रेडिंग ग्रुप बना हुआ है टोबैको तो प्रोडक्ट्स So, my dear friends, along with and additionally, the Swiss affiliate of Philip Morris International, you know the Philip, the Swiss partner of Philip Morris International, has also entered into a joint venture with some Indian companies to form a wholesale trading group. Now, what this wholesale trading group does, it will actually it sells, in fact, for selling tobacco products. Okay.

इसी और इसमें जमे रहने के लिए जो फिलिप मॉरिस इंटरनेशनल है 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 उसने उसने क्या किया है? उसने खत लिखा है किसको कॉमर्स मिनिस्टर को और साथ ही में नीति आयोग को और यह कहा है कि कॉमर्स मिनिस्ट्री का यह जो प्रपोजल है कि बिल्कुल ब्लैंकेट बैन लगा दिया जाए यह बिल्कुल डिस्क्रिमिनेटरी है और भेदभावपूर्ण है so, uh, you know, as recently reported, you know, this uh, news recently emerged that pmi or phillips uh, uh, morris international, which is actually interested and wants to maintain a foothold, okay, in the $11 billion indian tobacco market, has actually written letters to the commerce minister and niti ayog arguing that such a ban is absolutely discriminatory now my dear friends it's once again the time for having a look at a question and here comes the question for you next slide please which of the following is the most similar in meaning to the word affiliate i had told you

Come on, come on. Twenty-five seconds more. Hurry up. What's the answer? Just fifteen seconds more. It's very easy. But I kajovabu is question ka. Hurry up. Five, four, three, two, one. Time is up, my dear friends. So, perhaps the synonym of the word affiliate from the following amalgamate, detach, disconnect, and disjoin is going to be. Yes, amalgamate or only a bell Abde ko because disconnect, detach, disjoin. In matlab kya hota hai? alag Jana But amalgamate means to what? To be one, to get synchronized. Okay. So that's why, my dear friends, this is actually a synonym for the word affiliate from all these options. Okay. Now that's why. So all those of you who chose option one, and done a good job because that gets your score to two on two for sure. Now let's have a look at the next slide, and here it comes. क्लेम्स अब देखिए बेसिकली क्या है कि कई बार ऐसा होता है कि जो इन्वेस्टर है किसी देश में जिसने निवेश किया है इज नॉट हैपी विद समूल और रेगुलेशन ऑफ दैट पर्टिक्युलर स्टेट और कंट्री और समटाइम्स यू नो द स्टेट और कंट्री इज नॉट रियली हैप्पी अ पर्टिकुलर इन्वेस्टर हैज़ एक्चुअली इन्वेस्टेड इन हिज नेशन और हिज और हर स्टेट ओके विद इट्स स्टेट तो देखा जाए कई बार ऐसा भी होता है कि वो स्टेट या वो कंट्री जहां पर किसी पर्टिकुलर व्हाट यू से बंदे ने किसी पर्टिकुलर एंटिटी ने इन्वेस्टमेंट किया है निवेश किया है वो उस निवेशक से खुश ना हो तो बेसिकली ये जो ये जो आपस में सेटलमेंट है जो आपस में जो ये जो से दरार पर जाना जो है ये सेटलमेंट होता है ये जो डिस्प्यूट है ना जो दरार है जो लड़ाई है इसका सेटलमेंट होता है एक पर्टिकुलर कोर्ट के जरिए ठीक है अब ऐसा बेसिकली क्यों हो रहा है इंडियन टोबैको मार्केट में है? इसकी क्या तो से इसका क्या यू इसका बादल बनता है या फिर फिलिप्स मॉरिसन इंटरनेशनल में चैलेंज एनी सच बैन अंडर इंडिया ट्रीटीज ठीक है भाई तो अगर वो ब्लैंकेट बैन लगता है एफ पर ठीक है भाई टोबैको सेक्टर में तो जो फिलिप्स मॉरिस इंटरनेशनल है वो इस तरह के बैन को चैलेंज कर सकता है इंडिया के बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज के अंतर्गत यू नो। सो इफ एनी सच ब्लैंकेट बैन हैपेंस, व्हाट यू से? इफ एनी सच ब्लैंकेट बैन है इन से? इन द सेक्टर ऑफ इंडियन टोबैको In the what do you say of uh, in FDI in the Indian tobacco sector, then any such ban can be challenged by Phillips Morrison International under India's bilateral investment treaties, which are also called BITS. Okay, now this is specially.

For taking anti tobacco measures under BITs investor state dispute settlement. Okay, let's have a look at the first instance. It happened when Philip Morris Asia challenged Australia's plain packaging regulation under Hong Kong Australia BIT. So perhaps you know the first time when Philip Morris went up against a particular country. फॉर वो फॉरिस एशिया ने जो है चैलेंज किया था ऑस्ट्रेलिया का प्लेन पैकेजिंग रेगुलेशन जिससे कि जो है जो पैकेजिंग हो रही थी प्रोडक्ट की टोबैको काफी डिसइंटरेस्टिंग सी हो गई थी और इस पर्टिकुलर रीजन को चैलेंज किया था फिलिप मॉरिस एशिया ने अंडर हॉन्गकॉन्ग ऑस्ट्रेलिया बी आई टी विच इज यू नो बाट्रल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी So the first instance of PMI challenging a particular country for anti uh, for taking anti-tobacco measures was when you know Philip Morris Asia challenged Australia's plain packaging regulation under Hong Kong Australia business bilateral investment treaty. Now the second instance was the second instance was when PMI challenged Uruguay's regulation requiring tobacco companies to put pictorial warnings on 85 percent of the area of packaging under US Uruguay. बिज़नेस बायोलैट्रल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी ओके अब दूसरी बार कब ऐसा हुआ दूसरी बार तब हुआ जब फिलिप मॉरिसन इंटरनेशनल ने चैलेंज किया था जो यूरोगाय है उसका रेगुलेशन उसका ये रूल जिससे कि जो टबैको कंपनीज थी उनको जो है फोटो में वार्निंग्स देनी थी पिचासी प्रतिशत ऑफ द एरिया ऑफ पैकेजिंग के ऊपर और यह जो उसने चैलेंज किया था चैलेंज यहां पर किया था इसने यूएस योरा के बीच में जो बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी हुआ था उसके अंतर्गत सो नाउ माय डियर फ्रेंड्स इट्स वंस अगेन टाइम फॉर अ क्वेश्चन एंड हेयर इट कम्स कम ऑन क्वेश्चन प्लीज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू द पैसेज पैसेज की तरफ से बताइए माइडियर फ्रेंड्स कौन सा सत्य नहीं है इन स्टेटमेंट में से स्टेटमेंट ए बी और सी आपके सामने है आपके पास है तीस सेकेंड इनका सही जवाब देने के लिए और समय शुरू होता है अब हरिया जस्ट ट्वेंटी सेकेंड मो वी आंसर क्विकली आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू आंसर Just 10 seconds more, my dear friends. What's the answer? Okay, five, four, three, two, one. The time is up, my dear friends. Okay, so in statement A, it's given. See, the question was regarding not true according to the passage. In statement A, it's given. PMI has invested in Indian tobacco market through a licensing agreement with Godfrey Phillips India. Yes, that is true. So this is true, by the way. Option B says it's impossible that PMI may challenge any such ban under India's bilateral investment treaties. Well, it is possible. So that's why statement B is a false statement. C says Philip Morris Asia challenged Australia's plain packaging regulation. Yes, it did so. So that's why you know. ऑप्शन सी इज अ ट्रू स्टेटमेंट बट देन अगेन ओनली बी इज एक्चुअली अट इज इट इज अट ट्रू तो आप में से वो सभी लोगों ने यहां पर नंबर दो चूज किया है और इट इज ऑप्शन टू एंड आई होप दूस को वुड हैव गॉट एलिवेटेड टू थ्री ऑन थ्री फॉर श्योर एंड इफ नॉट थ्री ऑन थ्री टू ऑन थ्री फॉर श्योर चलिए हम लोग देखते हैं यहां पर नेक्स्ट स्लाइड इट कम्स the arbitrational tribunal rejecting the claim of PMI held that it was within the regulatory powers of Uruguay to impose such limitations to protect public health. अब देखो PMI जो है जो आपका Philips Morrison International है ये बड़े जोश में इसने challenge किया था Uruguay की उस regulation को और चला गया था arbitrational tribunal में लेकिन जो आर्बिट्रेशनल ट्रिब्यूनल है उसने ये बोला यूरोगाय का पूरा हक है अगर उसको लगता है कि किसी पर्टिकुलर चीज से उसके पब्लिक हेल्थ को नुकसान पहुंच रहा है तो उसके पास पूरी अथॉरिटी है कि वो उस चीज को रोके और प्रॉपर रेगुलेशन लगाए जिससे यहाँ पर जो आपका फिलिप्स मॉरिसन इंटरनेशनल है इसके करारी हार हो गई नो you know? So that particular the arbitrational tribunal rejected the claim of Philip Morrison International and held that it was within the regulatory powers of Uruguay, you know, it was within the authoritative powers of Uruguay to impose or to apply any such limitations to protect public health from tobacco. Okay now. एम आई कांट और योर फिलिप मोरस इन इंडिया कांट इंटरनेशनल सॉरी कांट ब्रिंग अस अगेंस्ट इंडिया बिकॉज देर इज नो इंडिया यूएस बी आई टी अब देखो भाई जो आपका फिलिप मोरस इंटरनेशनल है यह जो है बेसिकली एक अमेरिकन जाइंट है और यह चाहकर भी कोई सी भी तरह का बालाट्रल का इंटरनेशनल ट्रेड किस्म जो है केस नहीं कर सकती है इंडिया के खिलाफ क्यों क्योंकि इंडिया और यूएस के बीच में ऐसा कोई उस तरह का नहीं है कोई भी ऐसा अग्रीमेंट नहीं है जिसकी इसको रिक्वायरमेंट पड़ती है यू नो मॉर्सल इंटरनेशनल केस अगेंस्ट इंडिया बिकॉज देर इज नो इंडिया यूएस बी आई टी रिलीफ अच्छा आप देखते हैं सेकंड पार्टी पर स्विस एफिलियट और स्विस पार्टनर को इंडिया स्विटरलैंड बी आई टी विच प्रोटेक्ट नॉट जस्ट डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बट ऑल्सो शेयर स्टॉक्स एंड अदर फॉर्म ऑफ पार्टिसिपेशन इन अंपनी सो माइडियर फ्रेंड अब देखो भाई भाई पी एम आई जो है वो अपने अमेरिकन पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ नहीं कर सकता लेकिन जो पी एम आई का जो स्विस पार्टनर है वो जरूर जो है क्लेम कर सकता है इस बी के अंतर्गत क्योंकि इंडिया और स्विट्ज़रलैंड के बीच में जो बी है उसके अंतर्गत जो स्विट पार्टनर है पीएमआई का फिलिप्स मॉडर्स इंटरनेशनल का वो जरूर क्लेम कर सकता है क्योंकि ये जो बिट है ये जो आपका से बायोलैट्रल इंटरनेशनल ट्रीटी है जो है या जो कह सकते हैं आप ये जो ट्रीटी है ये क्या करती है ये ख्याल रखती है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स का शेयर्स का स्टॉक्स का और जो दूसरे तरह के जो पार्टिसिपेशन इन कंपनी है उन सभी का यू नो सो पर नॉट डू एनी थिंग ऑन इट्स ओन ऑन इट्स अमेरिकन पॉइंट ऑफ व्यू बट देन अगेन इट कैन Its partner, its Swiss partner, could surely bring a claim under the India Switzerland BIT because this particular BIT, you know, it protects, it guards not just direct investment but also shares, stocks, and other forms of participation in a particular company. Now, the reported termination or the reported ending of this particular BIT by India will not impact any such claim because the treaty contains a survival clause. प्रोमिसिंग प्रोटेक्शन टू एग्जिस्टिंग फॉरन इन्वेस्टमेंट फॉर द नेक्स्ट टेन टू फिफ्टीन ईयर्स और अगर इंडिया चाह कर भी इस पर्टिकुलर बी आई टी को खत्म कर देती है तब भी कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा उस स्विच पार्टनर को क्यों क्योंकि उसके बावजूद भी खत्म होने के बावजूद भी इसमें इस पर्टिकुलर बी आई टी में एक सर्वाइवल क्लॉज है जिससे क्या होगा जिससे किसी भी तरह के फॉरन का जो इन्वेस्टमेंट होगा उसको अगले दस से पंद्रह साल तक के लिए प्रोटेक्शन मिला रहेगा So, even India terminates this BIT with Switzerland, it will still not impact any such claim. Okay, why? Because the treaty contains a survival clause promising protection to the existing foreign investment to the, for the next 10 to 15 years. So, my dear friends, once again, it is time for having a look at a question, and I hope that you guys are ready because here comes the question on your screen. Next slide. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ड टर्मिनेशन फ्रॉम द फॉलोइंग हमने अभी टर्मिनेशन का नाम लिया था ट्रीटी के रिगार्डिंग तो आप बताइए इस टर्मिनेशन का मतलब क्या है इनफैक्ट साथियों क्या है इन ऑप्शंस में से जो कि है एंड एक्सपायरी जेनेसिस कमेंसमेंट आंसर क्विकली यू गो थर्टी सेकेंड टाइम स्टार्ट नाउ हरिया 20 seconds more, my dear friends. Hurry up, 20 seconds more. Come on, 10 seconds more, my dear. 5, 4, 3, 2, 1. The time is up. Okay, bye. अब यहां पर बात हुई थी टर्मिनेशन की तो आप लोगों ने टर्मिनेटर फिल्म देखा ही होगा आई सपोज यू वुड वोड वॉज द टर्मिनेटर सीरीज दैट्स अ वेरी पॉपुलर सीरीज ओके शन मीन्स वॉट मीन एंडिंग खत्म कर देना राइट right? टर्मिनेशन का synonym जो होता है, वो तो यही होता है. अब देखो यहां पर अगर देखें तो एंड एंड एक्सपायरी आर गिशन एंड बी विच मीन ऑप्शन फोर इज द करेक्ट आंसर बिकॉज द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बन ऑप्शन फोर एंड इज गोइंग टू बी ओनली ए एंड बी तो जो आपका ए एंड बी है यह सही आंसर यानी जो ऑप्शन फोर है या विकल्प नंबर चार है यह सही जवाब है सो आई होप माई डियर फ्रेंड्स ऑफ दीज फोर क्वेश्चन स्कोर्ड

नाउ फॉर हैविंग अ लुक एट द नेक्स्ट स्लाइड मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूं कि आज आपको मैंने एक आर्टिकल का जो मेन हिस्सा है वो समझाया है और जो बाकी का हिस्सा है ना उस इकोलॉजी वाले उस टोबैको वाले आर्टिकल का वो आपको मुझे लिख करके देना है इन योर ओन वर्च ऑन माइ आई डी विच इज सौरभ डॉट डे एट द रेट अड्डा टू फोर सेवन डॉट कॉम दई डी एस ए यू आर ए बी एच डॉट डी वाई एट द रेट अड्डा टू फोर सेवन डॉट कॉम तो आपको इस पर जो है बाकी का जो हिस्सा है अपने वर्च में रिराइट करके देखना है बिकॉज आई वॉन्ट टू सी हाउ मच कैन यू कॉम्प्रीहेंड ऑन योर ओन नाउ नाव इज द नेक्स्ट नेक्स्टिंग फॉर यू नेक्स्ट आर्टिकल फॉर यू इकोलॉजिकल बैलेंस शीट So बातचीत क्या है कि इस आर्टिकल में हम लोग ये समझेंगे कि हमारा हाल ही में जो बजट आया है उस बजट में जो हमारे देखिए इकोलॉजी है जिसमें आपके एनवायरमेंट आता है इनफैक्ट इन्वायरमेंट जो फॉरेस्ट आता है एनिमल्स आते हैं अलग एनिमल वेलफेयर आता है

Budget presented this month has made a broad-brushed allocation of rupees two thousand six hundred seventy-five point four two crore to the Mofecc, which is your Ministry of Forest, Environment, and Climate Control, a clear increase by eighteen point eighty-eight percent from last year. अब देखा जाए भाई तो जो बजट है इस साल का जो है जो कि इनफैक्ट इसी महीने जो कि किया गया था उसमें जो है एक बहुत ही बड़ा किस्म के एलोकेशन किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट कंट्रोल के लिए और यह जो एलोकेशन है यह जो एलोकेशन है वो है टू करोड़ का जो कि एन इंक्रीज है

and also flawed from legal point of view. ये जो आपको यहां पर दिख रहा है जो ये फिगर है 2675.42 करोड़ का ये शायद आपको बहुत ही बड़ा लग रहा हो लेकिन जब इसको हम लोग नजदीकी नजर से देखें तो यहां पर जो है ये जो एलोकेशन है इसको ये डिवाइडेड है और इसमें बहुत सारे फ्लॉज हैं बहुत सारी गलतियां हैं कैसे तो तो ये त्रुटिपूर्वक तो है ठीक है भाई तो बहुत सारी गलतियां इसमें लीगल अप्रोच से अगर देखें इसको हम ओके इवन एज द दूस ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट रिसोर्स कंजर्वेशन पल्यूशन कंट्रोल एंड वाइल्ड लाइफ प्रोडक्शन आर क्लियरली इंटरकनेक्टेड दे आर ट्रीटेड इन आइजोलेशन ओनली एट मैक्रो लेवल ओके भाई अब देखा जाए तो भले ही फॉरेस्ट मैनेजमेंट हो गया रिसोर्स कंजर्वेशन हो गया पोल्यूशन कंट्रोल हो गया वाइल्ड लाइफ प्रोडक्शन हो गया सभी आपस में जो है बिल्कुल जुड़े हुए हैं लेकिन जो हम देखते हैं जो बड़े लेवल पर जो है इन सभी को जो है एकदम अलग तरीके से जो है ट्रीट किया जाता है ओके okay, तो चलिए अब एक वक्त हो गया है एक सवाल का तो चलिए भाई अब चलते हैं अगली स्लाइड में और देखते हैं एक स्पेशल क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन ऑफ दिस स्लाइड एंड इट कम्स द क्वेश्चन तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर सिक्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ और आर नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू द पैसे बताइए पैसेज के हिसाब से इनमें से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो कि सत्य नहीं है ए बी और सी में से इनको देखिए पढ़िए और बताइए सही आंसर क्या है आपके पास से है तीस सेकेंड टाइम स्टार्ट नाउ हरियाप परिया फिफ्टीन सेकेंड्स मो आंसर ओके वेल टाइम इज अप माय डियर फ्रेंड्स अब देखो मेरी यहां पर बारी है कि मैं आपको जवाब दू स्टेटमेंट ए में दिया हुआ है क्लीन एनर्जी सेस एंड क्लीन एनवायरमेंट सेस आर डिफरेंट वेल ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है बिकॉज ये दोनों ही सेम चीजें हैं स्टेटमेंट बी में दिया हुआ है बजटरी अप्रोच टू एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन इज फ्लॉड वेल डियर फ्रेंड्स इट इज ट्रू अकॉर्डिंग टू ट्रूकिंग इसलिए ये गलत नहीं है सी में दिया हुआ है अम ऑफ रिफोर्ट ऑफ फोर्टी करोड़ हैज बीन अलॉटेड टू द क्लाइमेट चेंज प्लान तो इसलिए डियर फ्रेंड्स इसमें भी गलती नहीं है यानी कि जो आपका स्टेटमेंट ए है दैट इज द ओनली स्टेटमेंट इज फॉल्स विच मीन इट इज द करेक्ट आंसर तो आप में से वो सभी लोग जिन्होंने यहां पर ओनली ए चूज किया है ऑल दो ए हैव गुड जॉब बिकॉज दैट इज द करेक्ट आंसर माई डियर फ्रेंड्स तो खैर उम्मीद करता हूं कि आपको यह पसंद आया

फॉर दियर यूटिलाईजेशन यानी कि साथ ही में भाई जो आपका एम ओ ई एफ सी सी का हाल है वैसे ही जो बाकी आपके एनवायरमेंटल एकोलॉजी कोस्टल मैनेजमेंट इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग एंड गवर्नेंस के हेड्स हैं इनको भी बहुत ही कम किस्म का अमाउंट मिला है और इनको कोई भी क्लियर फ्लेमवर्क नहीं है कोई भी क्लैरिटी नहीं है कि एग्जैक्टली कौन सा अमाउंट कहाँ खर्च करना है और कैसे खर्च करना है द ट्रीटमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सेम

उसका भी कुछ ऐसा ही हुआ है क्यों क्योंकि प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट जो कि बहुत ही रहा है इंडिया का उसका इनफैक्ट जो बजट है उसको 30 करोड़ कम कर दिया गया है और साथ ही में जो प्रोजेक्ट एलिफेंट है उसका जो बजट है उसको सिर्फ ढाई करोड़ बढ़ाया गया है नाउ अंडर of ऑफ now नाउ दिस इज a मेजर फैक्टर यू नो Under utilization of funds continued problem has also been has also been of under utilization of existing funds in 2015 the total budget was reduced by 25 percent okay bhai. जो एक लगातार प्रॉब्लम बनी आ रही है वो है कि जो बजट दिया गया है जो फंड दिया गया है उसका बहुत ही कम इस्तेमाल हो पाना ठीक है भाई अब पंद्रह में, में जो है जो बजट था था वो 25 कम कर दिया गया था, का और बाकी जो जुड़े फैक्टर्स है क्यों क्योंकि इन, ये लोग जो है ठीक से को यूटिलाइज नहीं कर पाए थे तो फ्रेंड्स इतना हिस्सा तो हमने आपको समझा दिया और उसके बेस पर तो हम लोग क्वेश्चन देखेंगे लेकिन जो इस आर्टिकल का क् बाकी का हिस्सा है वो आपको खुद से समझ के

विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट शोज द थीम ऑफ द पैसेज बताइए माइडिया फ्रेंड्स इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें आपको थीम दिख रहा है इस पर्टिकुलर पैसेज का गो थ्रू दैम और आंसर दीजिए और आपके पास इस बार है सिर्फ पंद्रह सेकेंड बिकॉज इसमें आपको सिर्फ थीम सजेस्ट करना है टाइम स्टार्ट नाउ हरियाव सेकेंड्स मो व्हाट्स द आंसर Well, my dear friends, time is up. Okay, over allocation of money to environment. Well, this cannot be the answer given the last slide. What happened in the last slide? No allocation of money to MoEFCC. This will always also be wrong because seventy-six crore ka jo hai, plus ka uh, crore ka jo amount hai, wo diya gaya tha. Unbalanced budget for ecology. This can be the answer because you know it has been pretty unbalanced. You know, balanced allocation of money to CC. Well.

और फिर आपसे उस आइडिया को छीनने के लिए लड़ते हैं और तफ और फिर फाइनली आप जीत जाते हैं माय डियर फ्रेंड्स सो गेट इंस्पायर्ड फ्रॉम दिस कोर्ट ऑफ आर नेशनल व्हाट द फादर ऑफ द नेशन इन फैक्ट तो इससे जो है आप सीख सकते हैं आई एम श्योर और साथ ही मैं याद रखिए डियर फ्रेंड्स एट अड्डा टू गवर्नमेंट जॉब एन एसबीआई इज राइट इन योर पॉकेट एंजॉय ऑल द शो थैंक यू